हेलो बच्चों, तो ये था एक्सरसाइज 4.1 फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट करने के बाद स्टार्ट करते हैं टू पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2। देखो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये फैक्टराइजेशन के, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखें क्या है। 21 पी वाई स्क्वायर ओके माइनस 56 py, ओके। तो फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, हमें फैक्टराइजेशन करना है। पहले क्वेश्चंस की तरह ही करेंगे, क्या करेंगे हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे SCF, तो दोनों का SCF जो होगा, ओके मैं साइड में लिख देता हूँ SCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना, 7 से डिवाइड हो रहे हैं, 7 3 21, 7 8 56, ओके 7। यहाँ पे p, दोनों में pp ही है, तो हाईएस्ट क्या p कॉमन कर सकते हैं, y स्क्वायर और y, यानी हाईएस्ट क्या एक y कॉमन कर सकते हैं, 7 py से आप इसको फैक्टराइज करेंगे, ओके 7 py, तो 7 3 कितना होता है 21, p यहाँ पे py वाई स्क्वायर से pi आपने कॉमन कर लिया तो कितना बचेगा y बचेगा, क्योंकि p से p कॉमन कर लिया, y स्क्वायर है, एक y आप कॉमन कर चुके हैं, तो क्या बचेगा, ओनली सिंगल y बचेगा, माइनस सिंबल। अब 7 8 होता है 56, ओके 7 8 56, py था P कॉमन कर लिया, Y है, Y कॉमन कर लिया, तो कितना बचेगा, 80 बचेगा, तो 7PY आपने कॉमन किया, तो 3Y-8 ये रह गया आपका ब्रैकेट में। तो ये हो गया फर्स्ट वाला पार्ट, सेकंड का फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पर फैक्टराइज। अब हम देखेंगे सेकंड का सेकंड वाला पार्ट, तो सेकंड के सेकंड में क्या है, 4x³ - 6x² इसको आपको फैक्टराइज करना है, क्या है 4x³ - 6x², तो इसका SCF देखेंगे, कॉमन फैक्टर्स देखें 4 और 6 में मिनिमम हाईएस्ट क्या 2 कॉमन कर सकते हैं, बिकॉज़ 2 2 4 2 3 6, ओके x³ और x² यानी हाईएस्ट हम क्या x² कॉमन कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं x² कर सकते हैं, तो आपको कॉमन करना है कितना 2x² कॉमन किया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, फर्स्ट वाले पार्ट में देखें 4x³ था, 4x³ से आपने 2x² ले लिया है, तो 2 2 4 यानी 2x² x³ से x² ले लिया, कितना बचा 1x, तो फिर भी बचेगा 2x, माइनस सिंबल 2 3 ओके 2 3 6 और x² से x² ले लिया, तो 2x - 3, ये इतना वाला पार्ट क्या रह गया है, रिमेनिंग रह गया है, तो 2x² आपने कॉमन किया, तो 2x - 3 इतना रह जाएगा, बस हो गया फैक्टराइज। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये स्टार्टिंग के, ओके हमें सिर्फ फैक्टराइजेशन करना है, तो फैक्टराइज में देखेंगे हम SCF यानी क्या कॉमन कर सकते हैं, तो आपने यहाँ पे 7PY, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था 7PY, तो 7PY आपने क्या किया, 7PY से फैक्टराइज किया, तो फैक्टराइज किया तो ब्रैकेट में कितना बचा 3Y - 8, तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में देखा हमने SCF मैक्सिमम क्या कॉमन कर सकते हैं हम 2x², तो 2x² से कॉमन किया, तो यहाँ पे कितना बचा 2x, यहाँ पे -3, तो ये हो गया इस तरह से सेकंड का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, अभी तक के लिए वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ अगर आप कोई क्वेरी कोई डाउट अगर आपका रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, जिसके लिए मैं आगे उसको सॉल्यूशन कराने का ट्राई करूंगा, ओके। और इसके अलावा अगर आप पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं तो पर्सनल क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके थैंक यू।